और सुप्रीम कोर्ट के SC ST के फैसले पर भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका मिला जुला असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। बंद के फैसले के बाद से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया है। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ 12 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, अलवर, झालावाड़, दौसा, शाहपुरा, सीकर, डीडवाना, कोटा, नीम का थाना, बांसवाड़ा, जहां पर भारत बंद का जो आह्वान किया गया था तो उसका थोड़ा मिला जुला असर नजर आया। इसके अलावा उनियारा, चोमू, टोडा भीम, शिवगंज, लक्ष्मणगढ़, रायसिंह नगर, श्रीकरणपुर, खेडली, श्रीमाधोपुर और तेजारा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बंद का असर देखने को मिला है। और इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोटपूतली, केकड़ी, पिंडवाड़ा, पदमपुर, श्रीगंगानगर, सुमेरपुर, कोटा, झुंझुनू और डी की तस्वीरें। और वहीं आबू रोड, पाली, भरतपुर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, चोमू, दौसा, छोटी सादड़ी, शेरगढ़ और अंता की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर बंद का असर देखने को मिला है। और जयपुर से बड़ी खबर है, SMS अस्पताल में आग लगी है। बांगड़ परिसर के कैथ लैब में आग लगी है, पंखे में आग लगी, फायर सिलेंडर से आग को बुझाया गया है। अस्पताल परिसर में धुआं ही धुआं हो गया है। बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां SMS अस्पताल में आग लग गई है, पंखे में आग लगी तो वहीं फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाया गया। तो देखिए, आग एक लैब में लगी है, किस वजह से लगी, क्या इसके पीछे का कारण था, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी लापरवाही अस्पताल में जरूर देखने को मिली है। SMS अस्पताल में आग लगी है, बागड़ परिसर के कैथ लैब में आग लगी। SC ST का भारत बंद आह्वान किया गया, जहां पर DGP UR साहू ने PHQ से मॉनिटरिंग की। प्रदेश में भारत बंद का असर भी देखने को मिला, पुलिस की सक्रियता से शांतिपूर्ण बंद रहा। यानी कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई, लेकिन कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा है। राजस्थान बंद के आह्वान किया गया था 21 तारीख को, आज से करीब 10-12 दिन पहले से सभी पुलिस अधिकारियों को जिला स्तर पर ये निर्देश दिए गए थे कि बंद आह्वान करने वाले जो संगठन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ और व्यापार संगठन के साथ, ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ बैठ के अलग अलग स्तर पर, पुलिस स्टेशन पे, DYSP स्तर पर, SP के स्तर पर इनसे अलग अलग बात करके चर्चा करें, ताकि बंद के दौरान 21 तारीख को किसी प्रकार की बंद के आयोजन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे। ये कार्रवाई पिछले 10-12 दिन से हमारे अधिकारियों ने काफ़ी अच्छी तरह से अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ कई स्तर की, कई बार की वार्ता करी और जहाँ जहाँ कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया। राज्य सरकार द्वारा भी बैठकों का आयोजन किया गया और दिशा निर्देश जारी किए गए। CS महोदय ने भी एक जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर और SPs और IG और कमिश्नर्स के साथ एक बैठक करके सभी को एक जुट होकर इस बंद के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश। खबर दौसा से आपको बता देते हैं, जहां SC ST आरक्षण को लेकर राजस्थान बंद। दौसा जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली, सांसद मुरारी लाल मीणा ने रैली का नेतृत्व किया। आरक्षण को लेकर सांसद मीणा ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ व वर्गीकरण करने का पावर भारतीय संसद को था, लेकिन यह सारे के सारे पावर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार को दे दी गई। राज्य सरकार बिना पक्षपात रह नहीं सकती, यह हमको आपस में लड़ाने का काम करेंगी हम, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसके खिलाफ है। सरकार सब मानता
मामले को भी ज्यादा बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है संविधान के अनुच्छेद 341 संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत एसटीएससी आरक्षण में छेड़छाड़ करने की पावर, एसटीएससी के आरक्षण में वर्गीकरण करने की पावर, ये सारी पावर भारतीय संसद को थी। अब ये पावर सारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार को दे दी गई। राज्य सरकार मैं समझता हूँ कि पक्षपात करे बिगैर मान ही नहीं सकती। ये हमको लड़ाने का काम करेंगी, ये आरक्षण में छेड़छाड़ करने का काम करेंगी, हम इस फैसले के खिलाफ। और जैसलमेर में भी एससी एसटी वर्ग की आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में कुछ हद तक बंद दिखाई दिया। एससी एसटी वर्गों के लोगों ने अंबेडकर पार्क पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहनाकर वहां से रैली निकाली। रैली आयोजन पर कोटे से बाहर से किया गया, जो कि नगर परिषद कार्यालय, नीरज बस स्टैंड, हनुमान चौराहा होती हुई कलेक्टर पहुंची, जहाँ रैली द्वारा जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लाभ लेने की शुरुआत यह हुई है, उसे आउट किया जा रहा है, जिसमें मोटा है उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। इसके लिए पूरे भारत के 40 करोड़ दलित आंदोलित है और 747 जिलों में ये आंदोलन है। इसी प्रक्रिया में जैसलमेर में अंबेडकर पार्क से कई लोगों को संभावनाएं थी, आप लोगों ने भी सोचा होगा कि उत्पाद होगा। हम लोग वहां से रवाना हुए, हजारा में लोग थे, हम लोग संघर्ष समिति के अध्यक्ष और हम लोग डॉक्टर साराम जी राम जी हम सब साथ थे। हम लोग यहाँ तक आए, पिन ड्रॉप साइलेंट था, कोई उत्तेजित नारे नहीं लगाए कहीं कोई, और हर वर्ग ने हमारा साथ दिया। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था रखी, आप लोगों ने साथ दिया। हमारा जो मांग पत्र है हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दे दिया है, इनके मार्फत राष्ट्रपति को जाएगा ये। आज भारत बंद के तहत आज 21 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर और जिला स्तर पे एससी एसटी वर्ग के द्वारा एक आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियम देकर कानून चेंज करने का जो प्रावधान किया गया है सरकार को, उसके विरोध में आज जिला स्तरीय हमारे एक रैली आयोजित का किया गया। अम्बेडकर पार्क से ये रैली आयोजित की गई थी, इसमें एससी एसटी और अन्य सभी समाज ने सहयोग दिया और रैली हमारी शांतिपूर्ण रही और हमने रैली को बाजार में नहीं लिया करके बाहर वाले रास्ते से लिया, ताकि किसी प्रकार की अन्य किसी व्यक्ति व्यापारी संघ को किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए, उनकी सुरक्षा बस देखते हुए हम रैली बाहर से निकाली। हमारे गाँव से लोग बाहर भी काफ़ी तादाद में आए और शांतिपूर्ण आज हम रैली की। खबर हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र से बता देते हैं, जहां कैंचिया गांव में भारत के दौरान एक दुकानदार का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बंद समर्थक जब दुकान बंद करवाने गए तो दुकानदार ने दुकान बंद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद गोलूवाला थाना के एएसआई सतीश ने भी दुकानदार से दुकान बंद करने को कहा, जिस पर आक्रोशित दुकानदार ने कहा कि रोज रोज के बंद से हम परेशान हैं और हमें आरक्षण नहीं चाहिए। वहीं दुकानदार ने कहा कि ऐसे हम दुकान बंद करेंगे तो बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे। इसके बाद बंद समर्थक और एएसआई मौके से चले गए, मगर दुकानदार ने दुकान बंद नहीं की। बंद के विरोध का दुकानदार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बंद विरोधी दुकानदार की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग एएसआई सतीश पर दुकान बंद करवाने का आरोप लगा रहे हैं। और अब खबर है गंगापुर सिटी से, जहां एससी एसटी में सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ बाजार बंद रहा। वहीं बाजार बंद के आह्वान पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस दौरान आवश्यक और जनउपयोगी मेडिकल, हॉस्पिटल, रेल, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं विधिवत सुचारू रही। वही रैली के रूप में आरक्षण में कोटे में कोटा का विरोध जताते हुए नारेबाजी की गई। वही रैली प्रमुख बाजारों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां लोगों ने तहसीलदार बसंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। आरक्षण के समर्थन में जो रैली निकली है आपने देखा होगा, बहुत ही अनुशासित तरीके से, संयमित तरीके से और कानून व्यवस्था को बिल्कुल पालन करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए हमने हमारा प्रदर्शन किया है और हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दें। हमारी जो इस प्रदर्शन के मार्फत जो हम लोग हमारी भावना पहुंचाने चाहते हैं,
जो भी आरक्षित वर्ग है STSC का, वो आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण पंजाब सरकार की तरफ से विचाराधीन था, वो पंजाब सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई थी, निर्णय उसका होना था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बैरिकेड्स आरक्षण पर लगा दिए, क्रीमी लेयर का उन्होंने मुद्दा उठाया, उसके बाद में कोटे में कोटा देने का एक जो उन्होंने निर्णय किया है वो निर्णय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और ये हम नहीं कह रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में टोंक में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जार के नेतृत्व में बैठक की गई। मंडी प्रांगण में बैठक कर अतिवृष्टि की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो जाने पर मुआवजा सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामपाल जाट ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। खबर सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र से है, जहां ओलवाड़ा बनास नदी में डूबे युवक का 24 घंटे बाद घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर शव मिला। वहीं पर SDRF की ओर से बनास नदी में बहे गंगापुर सिटी निवासी 28 वर्षीय आशिक की तलाश को लेकर दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इसी दौरान SDRF टीम को घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर युवक का शव मिला। वहीं मलारना डूंगर थाना पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के पश्चात मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि युवक सवाई माधोपुर से मलारना स्टेशन की तरफ जा रहा था, इस दौरान ओलवाड़ा बनास नदी स्थित रपट पार करते समय वह पानी में बह गया। जैसलमेर के फलसुंड में घरों में बरसाती पानी घुसने से हुए नुकसान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। फलसुंड तहसीलदार कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि फलसुंड के कई क्षेत्रों में जलभराव है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत पर पानी निकासी नहीं करने के आरोप लगाए और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव बहाला में बारिश के कारण 15 से 20 मकानों में 3 सेंटीमीटर चौड़ी दरार आ गई। अचानक से मकान में आई दरारों को देखते हुए ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी तो रामगढ़ SDM नीतू करोल के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर मकान में आई दरार की रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा के समक्ष पेश की। तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि बहाला गांव में टीले पर बने 15 से 20 मकान में अचानक से दरार आने की सूचना मिली थी। इस पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर भेजी और मकान में आई दरार का मुआयना करवाया गया। सभी दुकानों और मकानों में दरार आने से ग्रामीणों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए उनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। दाता रामगढ़ में 2 अलग अलग जगह पर सड़क हादसों में 1 महिला की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग घायल हो गए। थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि पहला सड़क हादसा अमानीपुरा मई में डांसरोली रोड पर हुआ है, जिसमें पैदल चल रही 1 महिला का अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और पाली के सोजत से आपको खबर बता देती है, सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के साथ मारपीट का मामला। नवजात की मौत के बाद पिता ने अस्पताल में हंगामा कर दिया, परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बगड़ी राजकीय अस्पताल का ये पूरा मामला है।